थाना है तो सामने एक बार तो घना उतावड़ा और थाना में भाटा फेंक दिया, याद है थाना। फिर भी मैंने प्रयास किया, कांग्रेस बीजेपी के लोग शिकायत में शिकायत कर रहे हैं कि हनुमान जी तक घूम रहे हैं। अरे मैं नहीं घूमूंगा तो और कौन घूमेगा, मुझे तो घूमना ही पड़ेगा। क्यों सर को बाहर चाहेगा क्या? डंडा भी दिया, डंडा भी दिया, बदमाशी करे तो डंडा उठाओ। आज राजस्थान की नजरें क्यों सर पे, इन रेतीले धुरों के अंदर जहां सबसे ज्यादा मेघवालों की आबादी है, सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है, यहाँ किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी सड़कें बनेगी। 125 किलोमीटर चौड़ी रोड बनी, 5 से 5 लाख पूरी नई डबल ट्रैक बनेगा। प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सत्ता में नहीं हूँ। दिल्ली में बीजेपी से झगड़ा, स्टेट में कांग्रेस पार्टी से झगड़ा। मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने आंख बंद करके मेरे पे भरोसा किया और मैंने भी आपको लड़ाने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया। किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया, ये बात मेरे घर पे मैंने कभी नहीं करी। और इसी का परिणाम है कि आप बढ़ते चले गए। आज राजस्थान की नजरें खींचर पे और देश की नजरें नागौर संसदीय क्षेत्र पे, कि नागौर से किसान राजनीति का जलजला आएगा, खींचर से किसान राजनीति का जलजला पूरे राजस्थान के अंदर सत्ता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा सत्ता संकल्प यात्रा के माध्यम से। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, दोबारा पांचोड़ी किस इलाके के अंदर दोबारा आऊंगा और आप कहोगे हेलीकॉप्टर से आ जाऊंगा और आप कहोगे तो वैसे जैसा कहोगे उसी हिसाब से आ जाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बार भी एकतरफा आरएलपी पार्टी की मदद करोगे, साथ दोगे। या आरएलपी का झंडा जो मैंने आपको दिया है, पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश के झंडे आते थे यहाँ पे, झंडा वापिस ले जाते थे, डंडा यहाँ छोड़ देते थे। झंडा भी दिया, डंडा भी दिया, बदमाशी करे तो डंडा उठाओ, और ये झंडा भी तैयार है। और भाइयों, मैंने शायद आपको जितना जागरूक किया और मैंने हमेशा परिवार की तरह पूरे इलाके को रखा, और मेरे पास कभी आपको ये फील नहीं हुआ होगा कि ये एमपी एमएलए है या हमारा भाई है, ये फील हुआ हर जाति को, हम हमारे भाई से मिल रहे हैं। अगर मेरे यहाँ से कोई व्यक्ति साथ रह के आगे भी बढ़ गया, मुझे उस बात की चिंता नहीं, पीड़ा नहीं। अगर किसी ने इस ये नेता तैयार करने की जो फैक्ट्री है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां से नए नेता तैयार होते। मैं चाहता हूँ हर नेता विकास करे, नया काम करे, खींचर का विकास करे और राजस्थान का निर्माण करे, नए राजस्थान का निर्माण करे। चूंकि दोबारा मुझे आपके बीच आना है, ले पांचोड़ी के अंदर जितने भी काम रुके हुए हैं वो सारे काम हम गति देके, जितने टेंडर हो गए सड़कों के, पीने के पानी के, ट्यूबवेल कुछ काम थे सरपंच साहब वगैरह लाए थे, मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ जल्दी वो काम इस आचार संहिता के अंदर भी, उनमें आचार संहिता नहीं है तो जनता के जरूरी काम है वो आचार संहिता में भी चलेंगे। नरेगा के काम जो रोजगार है, कोशिश हम करेंगे कि आचार संहिता के अंदर विकास बंद नहीं हो, ये प्रयास करेंगे। अब आप देखिए, मैं सत्ता संकल्प यात्रा के अंदर आया हूँ आपके बीच, कांग्रेस बीजेपी के लोग शिकायत में शिकायत कर रहे हैं कि हनुमान जी देखो घूम रहे हैं। अरे मैं नहीं घूमूंगा तो और कौन घूमेगा, मुझे तो घूमना ही पड़ेगा। क्यों सर को बाहर चाहेगा क्या? खुद तो घूम नहीं सकते, लोग नहीं है या अपने आप आशीर्वाद देने आ रहे हो तो चिंता तकलीफ भी आप देख लें। ये थाना है जो सामने, इस थाने पे मुझे याद है 2008 में जब मैं आया था तो एक प्लेट लगी थी, कृपया जूते बाहर उतारे, ये गुलामी का प्रतीक है। हनुमान बेनीवाल ने उसी समय थानेदार को रायना हाजिर कराया, सस्पेंड कराया और उसके बाद आपको ऐसी आजादी दिलाई। एक बार तो घना उतावड़ा और थाना में भाटा फेंक दिया, याद है थाना। फिर भी मैंने प्रयास किया कि वापस बिठा के राजीनामा कराओ सबका, सारी जातियों को साथ में, उतावड़ा ज्यादा होगा तो अपन वो भी ध्यान रखना है कि मजबूती जोश के साथ हो सकना, व्यवस्था को भी संभाल के रखना, सब लोग एकजुट रहो। सारी जातियों से समाज चलता है, संस्कृति चलती है और सर्व समाज अगर तय करेगा इस बार कि हमें हनुमान जी राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें खींचर में हनुमान जी को मजबूती देनी है। जो 7 चुनाव में आपने मुझे मजबूती दी, 7 बार वोट दे दिए आप लोगों ने, मुझे पता ही नहीं चला आपको, 8, 13, 14, 18, 19 और फिर छोटे भाई को 19, 6-7 बार वोट आपने डाले, आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। आज मेरी आवाज अगर बुलंद है देश प्रदेश के अंदर, उसमें पांचूड़ी के इलाके के गरीब प्रत्येक जाति की, शेड्यूल कास्ट के उस भाई की आत्मा, उसका आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल के साथ शोषित पीड़ित तबके का। मुझे याद है जब मैं पहली बार एमएलए बना था, पांचूड़ी में 2 घटनाएं हुई थी, ये सब लोग थे। हम रात भर थाने के आगे, रामचंद्र जी थाने के, चंद्रा जी हाजी साहब भी थे थाने पे, रात रात हम बैठे थे, बैठ रहे एक बात, रात रात भर हम थाने के आगे बैठ के धरना देके थाने के अंदर न्याय दिलाया। न्याय एक हरिजन समाज के थे और दूसरे रावणा राजपूत समाज के, मुझे याद है अच्छी तरीके से। और राजस्थान में मैं लड़ता हूँ, जो जाति नहीं देखता, अगर कोई भी पीड़ित है
मुझे पुकार करता है तो उसको न्याय दिलाने के हमेशा जाता हूँ, और बदमाशी करने वाला अगर मेरी जाति के व्यक्ति है तो उनको भी सलाखों के पीछे डलवाता हूँ। ये हनुमान बेनीवाल है, जो विचारधारा है, जो आपका भाई है, लड़ रहा है, 20 साल सत्ता छोड़ी, मोदी से टक्कर ली, किसानों के लिए सड़क पाके, राजस्थान के किसानों का मान यूपी हरियाणा और पंजाब के किसानों के अंदर बढ़ाया, और जवानों के लिए अग्निपथ योजना का विरोध करके दिल्ली की सरकार से लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार पेपर लीक की घटनाएं, बेरोजगारी, छात्र आत्महत्या की घटनाएं, या जो छोटी बच्चों के साथ धर्म की राजस्थान में उसका मुकाबला किया, बजरी माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पर्यटन भू माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, नागौर के सांसद ने हमेशा लड़ाई लड़ी और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाया, ये काम मैंने किया था। आप दोनों हाथों से आशीर्वाद है। एक कार्यक्रम आगे हो रहे कोई यहाँ घड़ी फांटे पे, तो 2 मिनट मुझे याद दे दीजिए। ज्यादातर लोग मेरे साथ इस कार्यक्रम में, जिन जिन के पास गाड़ियां चलेंगे, दोबारा आपके बीच उपस्थित रहूंगा। कल दिन भर नागौर घर पे हूँ, कल अगर किसी को मिलना है, कोई छोटे मोटे काम है अटके हुए, तो कल आप एक बार नागौर सब लोग मिल सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ आए, सबको स्वागत, सबका धन्यवाद, सबका अभिनंदन, हमेशा आपके लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।